और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान पर जो छापा चल रहा है उसको लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। आजम खान के करीबियों पर लगातार आयकर छापा जारी है और इस बीच मेरठ से एक खबर आई है जहां इंजीनियर जकी के घर से आयकर टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा है। बुधवार सुबह 7 बजे से 41 घंटों तक यहां पर आयकर की जांच चली और गुरुवार की रात 12 बजे टीम ने अपनी सारी रिपोर्ट तैयार करने के बाद यहां से विदाई ले ली है। संपत्ति, बैंक खातों का ब्यौरा और लैपटॉप की डिटेल भी दर्ज की गई है। जल निगम के पूर्व GM है जकी, जो कि पिछले कई सालों से कैंसर से पीड़ित है। साल 2004 में आजम खान के ट्रस्ट के सदस्य बने थे जकी, और अब IT के निशाने पर वो आए हैं क्योंकि आजम खान के करीबियों पर आजम खान के साथ साथ ये छापे पड़े हैं। मेरठ नौचंदी के भवानी नगर में जकी सिद्दीकी की कोठी है और उनकी इसी कोठी पर लगातार IT की कार्रवाई चल रही थी। वहीं रामपुर से भी अपडेट सामने आई है जहां रामपुर में आजम खान के घर में आज तीसरे दिन लगातार IT की रेड जारी है। 49 घंटे हो चुके हैं और सपा नेता आजम खान के घर पर IT की टीम अभी भी मौजूद है। जौहर विश्वविद्यालय की संपत्ति को लेकर यहाँ पर जांच चल रही है। मुंबई के इंजीनियर को बुलाया गया है और तमाम टीम से जुड़े हुए लोगों को बाद में बुलाया गया जो संपत्ति का ब्यौरा जुटा रहे हैं। मुंबई के इंजीनियर समेत IT टीम आजम खान के घर पर 49 घंटे बीत जाने के बाद भी मौजूद है। वहीं मेरठ में इंजीनियर जकी के यहां पर जो कार्रवाई चल रही थी, जकी सिद्दीकी के घर पर जो कार्रवाई चल रही थी, वहां से खाली हाथ लौट चुकी आयकर की टीम, ये जानकारी सामने आ रही है। यहां पर 41 घंटों तक लगातार आयकर की जांच जारी रही। बुधवार सुबह 7 बजे से दिन रात ये जाँच चलती रही और रात 12 बजे रिपोर्ट तैयार करने के बाद यहां से आयकर टीम वापस लौट गई है। बताया जा रहा है कि जकी की संपत्ति, बैंक खातों का ब्यौरा यहां पर जुटाया गया है और उनके लैपटॉप में जो भी डिटेल मौजूद थी वो अपने साथ ले गई है आयकर टीम। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। रामपुर में लगातार छापा अभी भी जारी है और मेरठ में आजम खान के करीबी जकी सिद्दीकी के घर पर जो छापा चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है और यहाँ से आयकर टीम खाली हाथ वापस लौट चुकी है। जल निगम के पूर्व GM है जकी सिद्दीकी, हालांकि वो पिछले कई सालों से कैंसर से पीड़ित हैं। 2004 में आजम खान के ट्रस्ट के वो सदस्य बने थे, आजम खान के करीबी माने जाते हैं और इसी वजह से इस आयकर छापे में वो भी रडार पर आ गए थे। मेरठ नौचंदी के भवानी नगर में जकी सिद्दीकी की कोठी है जहां पर ये कार्रवाई चल रही थी। वहीं रामपुर से जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक आजम खान के घर पर अभी भी IT की रेड लगातार तीसरे दिन जारी है। 49 घंटे बीत चुके हैं लेकिन सपा नेता के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है और लगातार जांच चल रही है। कल ये खबर सामने आई थी कि आजम खान के घर पर मौजूद तमाम जो ज्वेलरी है, जो सोने चांदी के आभूषण हैं, उनकी जांच के लिए किसी बड़े जानकार को बुलाया गया है, जो कि लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर जो संपत्ति, जो ज्वेलरी घर पर मिली है उसकी कीमत कितनी है। जौहर विश्वविद्यालय की संपत्ति को लेकर वैसे तो ये जांच चल रही है। मुंबई के इंजीनियर समेत IT टीम के तमाम सदस्य आजम खान के घर पर अभी भी मौजूद है लेकिन मेरठ में आजम खान के करीबी जकी सिद्दीकी पर जो कार्रवाई चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। यहां से IT की टीम बैरंग वापस लौट चुकी है, ये बात सामने आ रही है। गुरुवार रात 12 बजे यहां से टीम वापस लौटी है। जल निगम के पूर्व GM जकी सिद्दीकी हैं जिनके यहां पर भी ये छापेमार कार्रवाई चल रही थी और अब उनके घर से टीम वापस जा चुकी है, जबकि रामपुर में आजम खान के घर पर अभी भी लगातार IT रेड और IT की जो कार्रवाई है वो जारी है।